ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल नागौर कोर्ट नंबर 3 बालिका वर्ग के बीच मुकाबला, लास्ट एंड फाइनल कॉल बाड़मेर वर्सेस टोंक, राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का। और बिल्कुल 2 पॉइंट बिल्कुल नागौर के हिस्से में इसमें जुड़ते हुए स्वाय माधोपुर का एक खिलाड़ी, 81 का डिफेंस फुटवर्क के साथ इस समय नागौर के खेमे में स्टार्टिंग किया है, लेकिन देखते हैं रेफरी को प्रोवाइड किया है नहीं। बिल्कुल बोनस अंक मिलेगा इस समय स्वाय माधोपुर को, अकाउंट ओपन हुआ है इस समय स्वाय माधोपुर का। स्कोर हो चुका है शानदार स्केप देखने को मिला अभिनव द्वारा। सहारे 2 पहुंचा स्वाय और उसके जवाब में 3 है अभिनव है इस समय 4 के डिफेंस में। एक और पॉइंट बिल्कुल टीम नागौर के हिस्से में ऐड होता हुआ है 4 के मुकाबले। मेरे डबल में 2 अंकों की बढ़त इस समय नागौर के पास। जो भी तस्वीरें आपके पास पहुंच रही है ये पहुंच रही है इस समय 32वीं राज्य स्तरीय कबड्डी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता इस समय मुकाबला चल रहा है नागौर वर्सेज स्वाय माधोपुर के मध्य। और इस समय 3 के डिफेंस में अभिनव अपने शानदार फुटवर्क के साथ लेकिन सेफ रेट के साथ वापस अपने कोर्ट में लौटे। प्रयास किया और बोनस में 1 टच पॉइंट मिलेगा, 2 अंक मिलेंगे इस समय स्वाय माधोपुर को। अभिनव चले इस समय बालिका वर्ग की टॉप टीम कोर्ट नंबर 3 पे रिपोर्ट करें, बाड़मेर टीम ग्राउंड पे आ चुकी है। बिल्कुल अंक मिलेगा इस समय अभिनव को बालिका वर्ग में टॉप टीम। एक और अच्छा अंक टीम नागौर के हिस्से में ऐड होता हुआ 7 के डिफेंस स्वाय माधोपुर का ये रन। एडवांस टेकर का प्रयास और उसका खामियाजा एक अंक के रूप में बाहर बैठना पड़ेगा नागौर के डिफेंडर को। अंक मिला है स्वाय माधोपुर बालिका वर्ग टोंक टीम कोर्ट नंबर 3 पर रिपोर्ट करें, लास्ट एंड फाइनल कॉल टोंक। जो वॉलंटियर टीम के साथ लगाए गए थे उन सभी से अनुरोध है कि अपनी जिन टीमों का मैच है वो आप तुरंत फोन करके कॉल करके पता करें कि टीम किस कंडीशन में और कहां, उसे तुरंत यहां उपस्थित करवाएं। स्थानीय मैनेजर जिनको बना रखा है बाहर की टीमों के लिए, स्थानीय खिलाड़ी कृपया ध्यान दें। बिल्कुल अंक मिलेगा इस समय स्वाय माधोपुर का, एक अंक और बड़ा है इस समय स्वाय माधोपुर का। इस अंक के सहारे स्कोर हो चुका है 9 है इस समय स्वाय माधोपुर और उसके जवाब में 5 है नागौर, 4 अंकों से आगे है इस समय नागौर। बाड़मेर मैनेजर अपने बालक और बालिका टीम की दोनों की फोटो जमा कराए भाई। बाड़मेर के मैनेजर एक डिफेंडर सेल पास हो चुके हैं, फोटो है बच्चों की दोनों बालक और बालिका की फोटो नहीं लगाई आपने फॉर्म पे। अंक के सहारे नागौर का स्कोर 6 और उसके जवाब में 9 है स्वाय माधोपुर, 3 अंकों का फासला। शानदार रोचक मुकाबला चलता हुआ इस समय ग्राउंड वॉलंटियर्स टॉक टीम को लेके आए, बालिका वर्ग की टॉक टीम। सीधे बैठो देखिए भाई कहाँ है टॉक टीम, बोलेंगे नहीं कोई आउट प्लेयर। यहाँ पे पुनः एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुके हैं,
एक अंक और मिलेगा इस समय नागौर को। इसके साथ ही अभिनव भी कॉट इन हो चुके हैं नागौर की तरफ से। गुड्डू भाई टॉप टीम वाली कवर की आ गई। एडवांस टैकल का प्रयास, बोनस प्लस वन टच पॉइंट, दो अंक मिले हैं इस समय कुकवाई माधोपुर को। बालक वर्ग में कोर्ट नंबर एक का नेक्स्ट मैच का प्रयास बिल्कुल अंत में लगा इस समय डिफेंडर ने हेलो। बालक वर्ग का एक नंबर कोर्ट का जो नेक्स्ट मैच है वो है करौली वर्सेस चित्तौड़गढ़। करौली वर्सेस चित्तौड़गढ़ बालक वर्ग का नेक्स्ट मैच कोर्ट नंबर एक। प्लीज वार्म अप स्टार्ट करें। करौली चित्तौड़गढ़ कोर्ट नंबर टू पे जो नेक्स्ट मैच है वो बाड़मेर और बारा का है। बाड़मेर और बारा का नेक्स्ट मैच होगा सेकंड हाँ बॉयज में। और ये दोसा के प्लेयर साइड हो गए। कोर्ट नंबर तीन के ऑफिशियल मैच स्टार्ट करें। बालिका वर्ग का मैच कोर्ट नंबर तीन पर अगला मैच खेला जाएगा श्री गंगानगर वर्सेस झुंझुनू। फर्स्ट कॉल बालिका वर्ग श्री गंगानगर वर्सेस झुंझुनू। गंगानगर वर्सेस झुंझुनू बालिका वर्ग नेक्स्ट मैच जो अभी ये बाड़मेर और टोंक के मध्य जो मैच खेला जा रहा है। One point, Nagar.
टाइम आउट बाय टीम स्वयं मध्यपुर और स्कोर भी आपको एक बार टैली करवाते हैं। और बिल्कुल मैच फिर से शुरू होता हुआ 21-18 का स्कोर है, 21 टीम नागौर और 18 है टीम स्वयं मध्यपुर। एक पॉइंट फिर से टीम नागौर के हिस्से में ऐड होता हुआ। टू पॉइंट टू टीम स्वयं माधोपुर। कोर्ट नंबर दो पर अगला मैच बाड़मेर वर्सेज बारा, बाड़मेर वर्सेज बारा, लास्ट एंड फाइनल कॉल बाड़मेर वर्सेज बारा। कोर्ट नंबर एक पर अगला मैच खेला जाएगा करौली वर्सेज चित्तौड़, सेकंड कॉल करौली वर्सेज चित्तौड़। Thank you.
स्कोर अभी भी 30 के मुकाबले 26 है, 30 नागौर और 26 स्वयं माधोपुर। जो टीम स्वयं माधोपुर वो इतना आगे होने का कारण है, जो टीम नागौर के खिलाड़ियों ने बोनस दिए हैं वो ज़्यादातर बोनस टू रेडर 1+2 3 पॉइंट टीम नागौर। बिल्कुल हाफ टाइम कोर्ट चेंज, बिल्कुल 27 के मुकाबले जो स्कोर है वो है 34, 8 पॉइंट से इस समय लीड में। अब स्कोर होता हुआ 28 के मुकाबले 34, 6 पॉइंट से अभी भी टीम में नागौर लीड में। बिल्कुल बोनस पॉइंट नागौर के हिस्से में जुड़ता हुआ। बिल्कुल बोनस टू रेड 1 पॉइंट टीम नागौर। बाड़मेर टीम पर बारी, ध्यान दें। बढ़िया बढ़िया। आपके फोटो अब तक जमा नहीं हुए बालक और बालिका दोनों के, फोटो लेकर तुरंत पहुंचे। तैतीस के मुकाबले 40 स्कोर अभी। बैठ जा रहा मन। Down, down, down.
स्कोर बिल्कुल इस समय 45 के मुकाबले 46 है। एक पॉइंट से इस समय टीम नागौर आगे है। और बिल्कुल बोनस पॉइंट बिल्कुल 2 पॉइंट नागौर के हिस्से में ऐड होते हुए स्कोर 50-45। वन पॉइंट टीम नागौर, 51 के मुकाबले स्कोर है 45। और इसमें लास्ट प्लेयर स्वयं माधोपुर की ओर से बिल्कुल बोनस टू रेड 1+2 3 पॉइंट टीम नागौर। बिल्कुल 46-56 का स्कोर, 10 पॉइंट से इसमें लीड में टीम नागौर और एक अंक और जुड़ता हुआ टीम नागौर के हिस्से में। पप्पू पगड़ी वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पहुंचे। पप्पू पगड़ी वाले हाँ
बिल्कुल दो पॉइंट इसमें फिर से नागौर के हिस्से में जुड़े। और बिल्कुल बोनस पॉइंट स्वयं माधोपुर के हिस्से में जुड़ा यहाँ पे, और रेड पर बिल्कुल नागौर का खिलाड़ी इस समय रेड डालता हुआ। बिल्कुल एक और पॉइंट नागौर के हिस्से में जुड़ा। अरे यहाँ पे नागौर की ओर से टाइम आउट किया गया है। बहुत ही शानदार खेल प्रदर्शन टीम में नागौर और सहमदपुर की ओर से, और नॉन स्टॉप रेडर रहे हैं अभिनव इस मुकाबले में। लास्ट 4 मिनट, अंतिम 4 मिनट का खेल यहाँ से शेष रहा है। तिरपन के मुकाबले 70 स्कोर है और 2 मिनट का खेल शेष रहा है। और 2 पॉइंट्स अहमदपुर के हिस्से में जुड़े। और बिल्कुल यहाँ पे दर्शक आनंद लेते हुए इस मुकाबले का। आनंद
और अभिनव इस समय रेड पर है, लगातार अच्छा स्कोर किया इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए। और ये मैच ओवर होता हुआ इस समय टीम नागौर विजय रही इस मुकाबले में। बहुत ही शानदार खेल प्रदर्शन रहा दोनों टीमों के खिलाड़ियों का।